जैसा कि हमने सीखा कि जब भी चार्जेज मोशन में होते हैं तो करंट फ्लो करता है। ठीक, चार्जेज का जो मोशन है वो दो टाइप का हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों तरह के मोशन के कारण से जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ चार्ज। आप देखेंगे मैंने यहां पर एक कंडक्टर दिखाया हुआ है, मान लेते हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, है ना, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है यहां पर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है ये है वीडी। वीडी होता है एक्चुअली में, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि ड्रिफ्ट स्पीड एक्चुअली में होता क्या है। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वीडी वेलोसिटी से चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर देखा जाए तो वीडी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वीडी इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो इस लाइन के आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे, चूंकि सब वीडी वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे, तो वो सारे के सारे इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से चल रहे हैं, अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो इसके आगे वाले इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो हम यही पता करना चाहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन को कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो इसके आगे वाले सारे जो है इसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने चार्ज होंगे, वो सारे इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, तो पहले हम लोग पता करेंगे कि ये वॉल्यूम कितना है, चूंकि ये जो कंडक्टर है इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि ए है, है ना, अगर एरिया ए है और ये लेंथ कितना है वीडी डेल्टा टी, तो ये वॉल्यूम आ गया एरिया इंटू लेंथ, वीडी इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ हो गया, ये एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, इतने वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इसको पार कर जाएंगे। ठीक, अब ये जो एन है, एन एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये अब हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के या जो भी मटेरियल है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो ट्रेवल करते हैं, बाकी तो बॉन्डेड रहते हैं। हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को ही पता करना चाहते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसको पार करेंगे या कितने फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्जेज होंगे वो इसको पार करेंगे। ठीक, तो कहा गया यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ध्यान रखना है यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं तो इतने वॉल्यूम में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये वॉल्यूम कौन सा था, ये वॉल्यूम था ये वाला, तो एन से मल्टीप्लाई करने से ये इस वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकल गया, ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ई से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल चार्ज इन साइड दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना चार्ज है। ठीक है, ये हो गया, अब हमें पता है कि ये सारा चार्ज जो इस वॉल्यूम में है वो सारा चार्ज इसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज जो है
वो इसको क्रॉस कर गया है ना, क्योंकि डेल्टा डी टाइम में ही ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो डेल्टा डी टाइम के अंदर इधर के सारे चार्ज इसको पार कर जाएंगे। तो अगर डेल्टा डी टाइम में इतने चार्ज पार करते हैं तो यूनिट टाइम में कितने पार करेंगे, डेल्टा टी से मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, और इसी को तो हम लोग करंट कहते हैं, चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट की वैल्यू यहां से ये आई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी और डेल्टा टी को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा करंट इज इक्वल टू एन, ये हो गया एन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू ई, ई क्या है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू है हमें याद रखना है, ये आगे कई जगह पर यूज में आता है।